रास्ता लोधा बिल्डिंग के सामने है, जो ये टाटा पावर वालों ने कल भी उसको ठीक किया, उनके समझ में नहीं है कि कहाँ से। अभी भी सबकी लाइटें बंद है, अभी उनको कंप्लेंट की तो अभी लाइटें उन्होंने बंद करके चले गए कि वापस आ रहे हैं। रहा सवाल कोई अर्थिंग से करंट आ रहा है, इन लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारे को ये कहाँ से करंट आ रहा है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परंतु कोई इनके सफलता नहीं मिल रही। इस मुताबिक सरकार का ठेका देना जनता को दुखदाई है। चले आदमी, बच्चा चले, चाहे जवान चले, चाहे बूढ़ा चले, अगर गीले पाँव हुए और नंगे पाँव हुए तो उस समय बहुत अंदेशा रहेगा। सावन मास है, अगर इस समय बिजली ठीक नहीं की गई सावन मास में भी, तो फिर कब ठीक करेंगे। रहा सवाल वो नाला खुदा है, नाले के वहाँ से इन्होंने कनेक्शन लिए, अब दो फेज, इन्होंने कल एक फेज काट दिया। अभी जितने भी घर वाले हैं उनकी सबकी लाइटें कटी हुई है, कब सुनेंगे ये ऊपर वाला जाना है या अल्लाह जाना। कल को जनानी भी हुई थी, जनानी में कल गाय की एक मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात, और यहाँ पर आज सुबह दो गायों के एकदम करंट आया, अर्थिंग से करंट आ रहा है, इसका उपचार होना चाहिए। सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको तुरंत प्रभाव से देखें, नहीं तो आगे जाके भविष्य में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। आपका नाम? रणजीत मल्लोडा, गंज अजमेर। जनकपुरी के पास लोडा बिल्डिंग की घटना है, आगे लाऊंगे। कल भी 5 बजे इनको कंप्लेंट करी थी तो टाटा पावर वाले आए थे, लेकिन उनके वार्ड जो है समझ में नहीं आ रहा, वो बंद लाइटें बंद करके वार्ड थोड़ी देर सही करते रहे। आगे से भी लाइन सही करी उन्होंने, पीछे से भी सही करी, लेकिन उनके समझ में बिल्कुल बाहर है, उनके परे है बिल्कुल समझ में। अब यहाँ पे क्या रात दिन अंदेशा बनाना था, लोग बाग इसके पास से ही गुजरते हैं, पास से ही आते हैं, कल को कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारी ये मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए फॉल्ट को। कल क्या हुआ? कल 5 बजे भी एक गाय की डेथ हो गई थी, वो इधर से गुजरी थी तो गाय के करंट आ गया, वो यहीं गिर के मर गई थी। उसके बाद भी आज दो गाय निकली है, वो उचक के करंट लगा, उचक के निकल गई वो। ये मालिक का शुक्र रहा कि वो दोनों गायें आज भी बच गई, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था आज भी। और जी, ये दरगाह का रास्ता यही है, जाहिर दरगाह का रास्ता भी यही है, जाहिर इस रास्ते से आते जाते हैं, और कोई बेचारा 2 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े भी हो जाता आगे। कल को बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपका नाम? सैयद इनायत अली, शहर जिला कांग्रेस।